हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे। दोस्तों, जैसे हमारे इस चैप्टर में हम टेक्निक्स देख रहे हैं दोस्तों, कैपिटल बजटिंग के रिस्क एनालिसिस के 7 टेक्निक्स देख रहे थे दोस्तों। 5 टेक्निक्स हमने खत्म भी कर दिए और आज हम 6th टेक्निक की शुरुआत करेंगे। 6th टेक्निक का नाम है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे 6th टेक्निक का नाम है दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है वो देखेंगे और एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में, और लास्ट में आपको उसी तरह के क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही सिंपल टर्म है आपके कैपिटल बजटिंग में। अब जैसे कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, तो उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना रहेगा वो इवैल्यूएट करने का काम रहता है, करता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कैसे इवैल्यूएट करता है, ये परसेंटेज में इवैल्यूएट करता है। अब जैसे कौन से भी प्रोजेक्ट में कितना परसेंटेज रिस्क रहेगा वो इवैल्यूएट करने का काम करता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। परसेंटेज में निकालता है इसे आंसर दोस्तों। अब इसके आंसर्स कैसे रहेंगे, इसके प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे। सो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स कैसे करना, जब आपको एक प्रोजेक्ट का दिया जाए तो आपको सिंपल सा बता देना है कि इतना परसेंटेज में रिस्क रहेगा। अगर आपको दो प्रोजेक्ट्स के आपको क्वेश्चन दिए गए, दो प्रोजेक्ट में कंपैरिजन करके अगर कौन सा प्रोजेक्ट का कम रिस्क आ रहा है वो प्रोजेक्ट कंपनी सेलेक्ट करेगी दोस्तों। सो दोस्तों, ये होगा हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। इसके प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे, इसका प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल रहेगा दोस्तों। एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला के हिसाब से अपने आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं फॉर्मूला हिसाब से लगा के आपका आंसर आपको करना है दोस्तों, सिर्फ सिंपल से रहेंगे। चलिए पहले अच्छे से हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे दोस्तों। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। सो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज रिस्की। सो दोस्तों, जो ये नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन को लेके आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और आपको ये बताना है कि दोनों प्रोजेक्ट जो एक्स एंड वाई दिया गया है, दोनों प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा प्रोजेक्ट है आपको वो बताना है दोस्तों। दोस्तों, नीचे आपको डाटा दिया गया है, प्रोजेक्ट एक्स का डाटा है और प्रोजेक्ट वाई का है। एक्सपेक्टेड एनपीवी दिया गया है, दोनों का 16,000 है और स्टैंडर्ड डिविएशन के भी अमाउंट्स एक्स एंड वाई के दिए गए हैं दोस्तों। सो चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये आपको क्वेश्चन पूरा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। सो पहले फॉर्मूला पहले अच्छे से समझेंगे दोस्तों। फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आपको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, यानी कैश इनफ्लो यानी जो उस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न मिला है वो आपको नीचे रख के डिवाइड करना और इनटू 100 कर दिए तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा दोस्तों। ये अपना तो हो गया फॉर्मूला। अब चलिए पहले प्रोजेक्ट एक्स का फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एक्स देखिए, प्रोजेक्ट एक्स यहाँ आपको डाटा दिया गया है, फॉर्मूला क्या कर रहा है, फॉर्मूला ऊपर लिए ऊपर रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो प्रोजेक्ट एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 2191 है। सो 2191 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। सो प्रोजेक्ट वाई के, प्रोजेक्ट एक्स के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या है, 16,000 है। सो डिवाइडेड बाय 16,000 × 100। सिंपल है दोस्तों। अब चलिए समराइज कर लीजिए 2191 डिवाइडेड बाय 16,000 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 0.1369 आएगा इनटू 100 रख लीजिए एज इट इज। अब चलिए इन दोनों को समराइज कर लीजिए दोस्तों। जब आप इन दोनों को समराइज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1369 इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 13.69%। यानी प्रोजेक्ट एक्स में एक कंपनी को 13.9% रिस्क रहेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट एक्स का दोस्तों। अब हम करते हैं प्रोजेक्ट वाई का।
सो दोस्तों प्रोजेक्ट वाई का आ जाइए, प्रोजेक्ट वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवेशन कितना है, स्टैंडर्ड डिवेशन प्रोजेक्ट वाई का 4561 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट वाई का 16,000 है दोस्तों, 16,000 रख लीजिए इनटू 100 एज इट इज दोस्तों, यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अब समराइज कर लीजिए, 4561 डिवाइडेड बाय 16,000 करेंगे तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 0.2850 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज रहेगा। अब चलिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.2850 इनटू 100 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 28.50% आ जाएगा दोस्तों। हमने दोनों का आंसर निकाल लिया, प्रोजेक्ट एक्स का एंड प्रोजेक्ट वाई का दोस्तों। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लीजिए, प्रोजेक्ट एक्स का आपको 13.69% रिस्क है, प्रोजेक्ट वाई में 28.50% रिस्क है दोस्तों। सो इसमें 13% उसमें 28%, यानी प्रोजेक्ट एक्स में कम रिस्क है और प्रोजेक्ट वाई में ज्यादा रिस्क है। सो एक कंपनी जब भी सेलेक्ट करना चाहती है तो प्रोजेक्ट एक्स एक कंपनी को अच्छा रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों जो पिछले 5 टेक्निक्स हो गए इस चैप्टर के, सारे टेक्निक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।